आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्टूडेंट जो चाइना में स्टडी करना चाहते हैं एमफिल और पीएचडी लेवल पे, तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सर्च करना है कैंपस चाइना। ये जैसे मैंने सर्च किया हुआ कैंपस चाइना, कैंपस चाइना सर्च करने के बाद फर्स्ट जो टैब है ये आपने ओपन कर लेना है कैंपस चाइना। कैंपस चाइना ओपन करने के बाद इसमें आप स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, ये भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि ये चाइनीज मीडियम है, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। तो फैकल्टी सर्च करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, डिग्री के लिए अप्लाई करना है, आई मीन मास्टर लेवल की या पीएचडी की डिग्री, बैचलर, डॉक्टर, मास्टर, नॉन डिग्री। अगर आप कोई बीएस लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, डॉक्टर लेवल पे या मास्टर लेवल पे, तो अगर कोई नॉन डिग्री प्रोग्राम है जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्सेज या कोई और, तो फ़र्ज़ करो मैं सर्च करना चाहता हूँ डॉक्टर, और मीडियम कौन सा हमें चाहिए, इंग्लिश या चाइनीज़, मैं इधर इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, तो आपने ये सर्च करना है। एक ये मेथड है, ये मैं सर्च करता हूँ, इसके बाद डिफरेंट ये यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर और इंग्लिश मीडियम, नीचे ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी, ये जितना भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये सारी पीएचडी लेवल की हैं। एक और मेथड है, इसमें मैं बैक जाता हूँ, बैक होने के बाद ये लिखा हुआ यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम, इस पर मैं क्लिक करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम पे। इस पे तमाम की तमाम जितना भी सब कंटिनेंट सूबे हैं चाइना के, वो यूनिवर्सिटीज़ ही ओपन हो जाएंगी। जैसे मैं ओपन करता हूँ बीजिंग, ये मैंने बीजिंग पे क्लिक किया, बीजिंग के अंदर जितना भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बीजिंग के अंदर जितना भी ये देखिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये राइट साइड पे ओपन हो गई है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ सर्च करने के दो तरीके हैं। पहला क्या है, या तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ पे आ जाएं, दूसरा आप डिग्री सेलेक्ट करें और मीडियम सेलेक्ट करें, इस तरह आप कर सकते हैं। तो मैं जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया है वो चूज़ करता हूँ, डिग्री जो भी डिग्री आप चूज़ करना चाहते हैं, और लैंग्वेज सबसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज सर्च करनी है। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आ गई, तो आपने यहाँ तक तो यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट आपका ये प्रोसीजर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अनहोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, या आपके पास अनहोई यूनिवर्सिटी है, बिहांग यूनिवर्सिटी है, तो आप इसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं फैकल्टी सर्च करने के। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फर्ज करो मेरा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है, आपने लिखना है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ बिहांग यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सर्च करना है। ये जो एक तो ये मेथड है कि आप न्यू टैब के अंदर उसी जो भी आप यूनिवर्सिटी सर्च करना चाहते हैं, न्यू टैब में लिखें केमिस्ट्री फैकल्टी, मटेरियल फैकल्टी, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी,
तो आप फैकल्टी फाउंड कर सकते हैं। जैसे ये आ गया फैकल्टी आप प्रोफाइल सिस्टम ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी, ठीक है, या स्कूल ऑफ केमिस्ट्री आ गया। मैं डायरेक्ट जाता हूँ स्कूल ऑफ केमिस्ट्री पे, आपका जो भी डिपार्टमेंट है। मैंने स्कूल ऑफ केमिस्ट्री ओपन कर लिया, ये भी पे मैं बंद कर देता हूँ। ये आ गया स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ पे देखें कहीं पे लिखा होगा फैकल्टी, सर्च करते हैं हम कि फैकल्टी, यहाँ मेंबर लिखा हुआ है फैकल्टी स्टाफ मेंबर, तो आपके पास ये आ गया प्रोफेसर्स के नेम। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के नेम सर्च करने होंगे। ये देखें जैसे माइकल पी वॉलिश, ठीक है। अब आप इसकी नेम पे मैं सर्च करता हूँ, इसका नेम आ गया। अब आपने इसका इसकी जब प्रोफाइल ओपन करनी है, इसमें से आपने एक तो इसका नाम लेना है, ठीक है, दूसरा इसका आपने ईमेल आईडी फाइंड करनी है। अब ईमेल आईडी इसकी मेंशन है, कुछ प्रोफेसर की, मैक्सिमम प्रोफेसर की ईमेल आईडी मेंशन होती है, कुछ की नहीं होती। चलें ये वाला सर्च कर लेते हैं, इनकी प्रोफाइल में मेंशन नहीं है। चलिए हम बैक जाते हैं, दोबारा कोई और यूनिवर्सिटी चेक करते हैं, जैसे अनोई यूनिवर्सिटी है, मैं लिखता हूँ इधर। फैकल्टी ऑफ अनोई यूनिवर्सिटी, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ अनोई यूनिवर्सिटी, ये सर्च कर लिया। ये आ गया कॉलेज, ये आ गया अनोई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट विद फैकल्टी ईमेल, तो ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मुख्तलिफ ये स्कूल की ईमेल आ गई। फ़र्ज़ करो ये अनोई स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड प्रोफेशन प्रोफेसर ईमेल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ और स्कूल भी हैं, जैसे स्कूल ऑफ केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, या मुख्तलिफ जो भी हैं आप इजली सर्च कर सकते हैं। मैं सर्च करता हूँ स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, इसी तरह स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जो भी प्रोफेसर आप सर्च करने जाते हैं आप इसी तरह सर्च कर सकते हैं। ये कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क स्लो है, सॉरी वीपीएन ऑन था, वीपीएन को हमने क्लोज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोफेसर जो, फिर आपने उसकी प्रोफाइल रीड करनी है कि वाया प्रोफाइल जो उसकी रिसर्च वर्क है आप फील्ड से मैच करता है या मैच नहीं करता। अब आप इसको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट कर लें। अगर उस प्रोफेसर की प्रोफाइल आपसे मैच करती है तो आपने उस प्रोफेसर का नाम, ईमेल आईडी वो पेस्ट कॉपी कर लेने, कॉपी करके आपने अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है, इसको आपने ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में।
इसी तरह एक तो ये मेथड है, दूसरा जो मेथड है अब उसमें आप डायरेक्ट एक और मेथड है वो ये है कि अब लिखेंगे लिस्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम चाइनीज यूनिवर्सिटी अंडर सीएसई सब्जेक्ट वाइज, आपको ये सब्जेक्ट वाइज जो है ना यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं जिसकी एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं लिस्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ अंडर सीएसई विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, तो आप ये भी लिस्ट सर्च कर सकते हैं। ये जैसे है लिस्ट सब्जेक्ट वाइज, तो ये आप इजीली ओपन करें, या 279 यूनिवर्सिटीज जो हैं आप इसमें भी सर्च कर सकते हैं। और ये मैंने जो ओपन किया ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। ये जो है ना लिस्ट ऑफ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी विदाउट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस, लेकिन हास्ट के अंदर जो फर्स्ट वन यहाँ पर मेंशन है इसमें 600 आरएमबी फीस है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनको फ़र्ज़ करो आप अनहोई मेडिकल यूनिवर्सिटी सर्च करना चाहते हैं, आप इसको लिखें न्यू टैब के अंदर जो भी आपका डिपार्टमेंट है, या वुहान यूनिवर्सिटी है जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो लिखें केमिस्ट्री फैकल्टी या वुहान यूनिवर्सिटी। हम न्यू टैब में लिखते हैं केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ वुहान यूनिवर्सिटी, ये अब यूनिवर्सिटीज़ आ गई जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ये देखिए एग्रीकल्चर साइंस ऑल मेजर्स, ये सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी लिंक को ओपन करें। और ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है, ये केमिस्ट्री की है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ केमिस्ट्री की हैं, फिज़िक्स, आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में ईमेल करें, अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में ईमेल करें, अगर जूलॉजी बॉटनी ठीक है ना इकोलॉजी आपका जो भी मेजर है आप इसी लिंक को इजीली यूज़ करके आप इजीली सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री का एडमिशन लेना चाहता हूँ, ये पिकिंग यूनिवर्सिटी है, मैं इधर लिखता हूँ केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ पिकिंग यूनिवर्सिटी, अब ये आ गया फैकल्टी, वीपीएन मैं क्लोज कर देता हूँ, ये आपने फैकल्टी को ओपन करना है। अब ये देखें ये केमिस्ट्री फैकल्टी ओपन हो गई, ठीक है, अल्फाबेटिकली ये प्रोफेसर के ईमेल दिए गए हैं, फर्ज करो मैं इसको मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब के अंदर, ठीक है, व्यू बाय इसको मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब के अंदर, फिर मैं चैन को भी न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, इसको भी मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, इन तमाम को मैं क्या करता हूँ न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये सर्च करता हूँ इस प्रोफेसर को, यस सबसे पहले इसका आपने
रिसर्च इंटरेस्ट देखना है, रिव्यू ये आपने रीड करना है सारे को। अगर ये आपसे मैच करता है, आपका जो भी फील्ड है, तो अब आपने अगर ये फील्ड मैच करता है, आपने क्या करना है, इसकी ईमेल आईडी आपने ये कॉपी कर लेनी है। ईमेल आईडी आपने कॉपी कर लेनी है, ये आपने अपना ईमेल बॉडी बना लेनी है, आपने ईमेल ओपन करनी है, इसको आपने यहाँ पे सेंट में सेव कर लेनी है। और इसका जो नेम है, इसका नेम है ये वाला यूबाय, ये ईमेल ये आपने लिखना है, डियर प्रोफेसर डॉक्टर यू बाय, ठीक है, ये इसका नेम लिख लेना है। इसके नेम को आपने बोल्ड कर देना है, इसके नेम को आपने बोल्ड कर लेना है, ठीक है। इसका नेम आपने लिखना है, नीचे लिखना है आई एम, आपका जो भी नाम है, माई मास्टर एम एस फ्रॉम देसी यूनिवर्सिटी, और सी जी पी मेरी इतना है। सी जी पी लिखें या ना लिखें, इट अप टू यू, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर आपने अपना टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद आपने अपना ये बताना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च वर्क, ठीक है ना। तो ये आपने ईमेल बॉडी बनानी है, इसके साथ ही आपने अपना सीवी अटैच करनी है। इसके साथ सीवी अटैच करनी है, ये मैंने सीवी अपनी अटैच की हुई है। सीवी अटैच करने के बाद आपने इसको सेंड कर देनी है। कोशिश करनी है कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप सुबह पाँच बजे ईमेल करें, क्योंकि चाइना के अंदर 3 घंटे का डिफरेंट होने की वजह से 8 o'clock मॉर्निंग होती है, तो वहाँ पे प्रोफेसर ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। जैसे ही आप ईमेल करेंगे 5 बजे, तो चाइनीज़ प्रोफेसर अवेलेबल होंगे ऑफिस में, तो आप इजीली वो आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। तो आप ईमेल आज से करना शुरू कर दें। आई मीन आज की जो डेट है अक्टूबर है, 2 अक्टूबर, तो ईमेल आप स्टार्ट कर दें। तो ये है प्रोसीजर अगर आप चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया कि ये आप एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। देन जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, फिर आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे और सीएससी के पोर्टल पे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगा। तो इस तरह जो भी फैकल्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली फैकल्टी है, ये मेम्बर है या दिस वन, तो ये आपने इसकी ईमेल कॉपी करनी है। ईमेल कॉपी करने के बाद आपने ईमेल में जाकर उसको पेस्ट कर देना है, और हर प्रोफेसर को अलग-अलग ईमेल करनी है, और एक दिन में मिनिमम 5 से 10 प्रोफेसर को ईमेल करनी है आपने ए यूनिवर्सिटी के। हाँ, एक आप ऐसा करें, 5 से 5 प्रोफेसर को, हर यूनिवर्सिटी के 5-5 प्रोफेसर को डेली ईमेल करते रहें। ये ना करिएगा कि आप बैठ के एक ही घंटे के अंदर सबको ईमेल कर दें, ये पॉसिबल इम्प्रेशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में ईमेल कर सकते हैं।